हेलो दोस्तों, तो निकल चुके हैं बाहर और देख सकते हैं ये जैकेट मैंने लिया था। इसका वीडियो मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि उस समय थोड़ा बिजी चल रहा था। और तो यही है जैकेट जो मैंने लिया है। तो आज ज़्यादा ठंड है तो इसीलिए आज मैंने सोचा निकाल लिया जाए। और पीछे देख सकते हैं आप लोग, पेड़ पूरा जो है सब पत्ता झड़ चुका है अब। और ये टाइम आ चुका है कि फॉल शुरू हो चुका है और 3 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे खासियत की, यहाँ पे हल्का भी फॉग नहीं है। अपने तरफ ऐसा रहता है इंडिया में कि अगर 7-8 डिग्री 6 डिग्री भी हुआ तो फॉग बहुत ज़्यादा होने लगता है, लेकिन यहाँ पे फॉग नहीं है। मौसम आपको पूरा क्लियर दिखेगा, बस टेम्परेचर जो है डाउन है और ठंडी महसूस होता है। तो यही है, कुछ कुछ चीज़ है जो अलग है। तो ऐसा नहीं है कि हर पेड़ का पत्ता झड़ चुका है। दोस्तों हो चुका है क्लास ख़त्म, उठाते हैं साइकिल। शाम में है टेस्ट क्या मतलब मिड टर्म, तो अभी से साइकिल उठाते हैं और चलते हैं घर। फिर पढ़ाई करना है, फिर आएंगे लाइब्रेरी। तो दोस्तों हवा बहुत तेज़ चल रहा है यहाँ पे, इतना तेज़ चल रहा है कि लग रहा है धक्का मार रहा है एकदम पीछे से कोई। और देख सकते हैं किस तरह से पेड़ हिल रहा है कैसे तेजी में। और ये मौसम में बहुत अच्छा लग रहा है। मानता हूँ कि जो टेम्परेचर है वो 3-4 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब कपड़ा पहन के निकला हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि क्यों ज़्यादा इतना ठंड है, तो अच्छा लग रहा है। और हाँ, मतलब थोड़ा जैसे मुंह खुला हुआ है और हाथ खुला हुआ है तो उसमें कुछ ज़्यादा ठंड लग रहा है, लेकिन ठीक है, ग्लव्स पहनने के बाद नहीं लगता है। और जो जूता है यहाँ पे, वो शूज़ आपको बूट अगर रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस मौसम में, क्योंकि जो मेरा बूट है वो जो मतलब मेरा जो शू है वो काफ़ी सब वो कपड़े का है मेनली, तो इसीलिए वो उसमें बहुत ज़्यादा ठंड घुस रहा है पैर में। मैंने भले ही सॉक्स मोटी वाली पहनी है लेकिन फिर भी अंदर में घुस रहा है ठंड और ठंड लग रहा है। तो देख सकते हैं मेरा कैसा शूज़ है। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा शूज़ है और इसमें काफ़ी ठंड घुस रहा है। ये देख सकते हैं किस तरह से सारा पत्ता गिरा हुआ है। और कुछ पेड़ ऐसे हैं जो अभी पूरी तरह से झड़े नहीं हैं उनके पत्ते, पर जो ये नज़ारा है ना कम टेम्परेचर में वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि हमेशा से इतना कम टेम्परेचर पे तो पूरा फॉग फॉग हो जाता था, हाथों हाथ नहीं दिखता था। लेकिन यहाँ पे क्लियर मौसम है, बस टेम्परेचर घटा हुआ है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है माहौल। तो दोस्तों निकल चुका हूँ सेकेंड क्लास के लिए, मतलब मिड टर्म एग्ज़ाम जो है उसके लिए। और एक दोस्त है मेरा, उसके साथ कुछ डिस्कस करना है क्वेश्चंस वगैरह। और जाएंगे लाइब्रेरी पहले, 2 घंटा बचा हुआ अभी, तो जल्दी से जाके और फिर डिस्कस करके उसके बाद फिर एग्ज़ाम देने चल जाएंगे। तो अभी जा रहे हैं लाइब्रेरी और मिलते हैं उससे। बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी हो गया है 8 डिग्री सेल्सियस, पर जो ठंड है वो फील्स लाइक है 3 डिग्री पे, तो 3 डिग्री सेल्सियस पे है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। हाथ जितना देर मैं वीडियो बनाने के लिए निकाला हूँ उतना देर में लग रहा है हाथ मेरा बर्फ हो चुका है, तो ज़्यादा वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर। तो चलते हैं अब लाइब्रेरी और पहन लेते हैं फिर ये ग्लव्स। तो देख सकते हैं अभी कितना सारा साइकिल लगा हुआ है, सारा का सारा लगा हुआ है, क्योंकि अभी ठंड बढ़ गया है तो कोई भी साइकिल चलाना प्रेफर नहीं करता है। तो लेकिन मैं लूँगा क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। चलिए साइकिल लेते हैं और चलते हैं लाइब्रेरी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो चीज़ पिज्ज़ा है मैंने लिया है, और एक पूरा है, एक मेरा दोस्त है और मैं हूँ, खत्म करेंगे इसको। तो चलिए फिर खाते हैं, इसका लुत्फ़ उठाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और ये देख सकते हैं इसके साथ फ्री मिला है मुझे ये माउंटेन ड्यू है। तो दोस्तों एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म और फाइनली बहुत अच्छा गया एग्ज़ाम। और चलिए फिर यहाँ से, अब लग चुका है बहुत ज़्यादा भूख, तो अब बनाएंगे कुछ खाना। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं। तो दोस्तों आज बनाएंगे सैंडविच, और उसके लिए हमको कुछ चाहिए ब्रेड। तो ब्रेड मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे फिर
कि मसाला मैंने पहले से तैयार किया हुआ है। अगर आप लोगों को इसका रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं बताऊंगा आपको इसका रेसिपी। फ़िलहाल तो ये मेरे पास प्रिपेयर्ड है, तो यहाँ पे इसको डाल दिए हैं। आपको जितना भरना हो आप भर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये देख सकते हैं यहाँ पे भरा चुका है ये मसाला। अब इसमें हम लोग डालेंगे यहाँ पे चीज़ आपके मन पे है आपको कितना डालना है। यहाँ पे मैंने डाला है यहाँ पे भर के बहुत सारा चीज़, और आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर भी डाल सकते हैं काट के, प्याज भी, लेकिन अभी मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। और इसे चिपका देंगे इस तरह से। और आपके पास अगर बटर हो तो आप यहाँ पे बटर भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ सिर्फ तेल, रिफाइंड ऐड करेंगे यहाँ पे इस तरह से। और ये इस तरह से इसको फैला लेंगे। और यहाँ से उठाएंगे ये हमारा ब्रेड, ब्रेड को यहाँ पे इस पर रख देंगे। और रखने के बाद चीज़ पिघले अच्छी तरीके से, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको ढक देंगे और वेट करते हैं इसको पकने का। और उसके बाद एक बार पलटेंगे जब तक ब्राउन हो जाए तब तक, और उसके बाद फिर दिखाता हूँ फाइनल चीज़। और अब इसे पलट देंगे 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद। तो ये देख सकते हैं कितना ब्राउन हो चुका है हमारा ये। और इसे अब फिर से ढक देंगे, ये ढक गया, और फिर से इसे पकाएंगे लगभग 1 मिनट तक। तो यहाँ पे से 1 मिनट हो चुका है, तो अब कवर को हटा देंगे और यहाँ से इसको देख लेंगे एक बार कि हो चुका है या नहीं। तो इसको फिर से ऐसे पलट दें, तो ये देख सकते हैं ये हो चुका है। और यहाँ से इसको हम लोग सर्व कर लेंगे, और इसे यहाँ से इस तरह से कट करेंगे। और कट करने के बाद आप चाहे दूसरी तरफ पलट दें, क्योंकि देख सकते हैं इधर नहीं कटा है, इधर से भी एक बार कट कर दें। और देख सकते हैं ये हमारा जो सैंडविच है वो तैयार है, और चीज़ भी देख सकते हैं अच्छी तरीके से पिघल चुकी है। तो चलिए फिर, यही है हमारा सैंडविच, और इसे सॉस के साथ सर्व करके आप खा सकते हैं। तो इन्जॉय करिए और बताइएगा मुझे कि कैसा लगा आप लोगों को ये रेसिपी। और फुल रेसिपी के लिए आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें, और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।